कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मुरादाबाद से आज फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की बात दोहराई। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव पर बोलते हुए कहा कि भाजपा फिर से ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है, भाजपा सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमित शाह का एक बयान अभी आया है कि विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो 70% हिंदुओं की बात कौन करेगा। किसी भी विपक्ष के नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है। अमित शाह खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। अमित शाह हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों भाजपा द्वारा बुरखे में वोटिंग मुद्दे पर बोलते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि अगर बुरखे में वोटिंग हो रही होती तो भाजपा कभी नहीं जीतती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट रद्द होने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि कोई भी डिक्टेटरशिप वाली सरकार अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, फिर उनको पासपोर्ट नहीं देती। महबूबा के साथ 3 साल सरकार चलाई तब तो ठीक थी, आज वो देशद्रोही हो गई हैं। उसे पासपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है कि अगर वो विदेश जाएंगी तो वो इस सरकार को नंगा कर देंगी, एक्सपोज कर देंगी। वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। देश में बढ़ रही कोरोना की लहर पर पूछे सवाल पर बोलते हुए कहने लगे कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वैक्सीन विदेश में भेज रहे हैं, जबकि पहले देश के नागरिकों को लगनी चाहिए थी। राशिद अल्वी आज मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। पार्टी की तरफ से हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से तंग आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कच्चे तेल की कीमत 60-65 डॉलर है पर बैरल, एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 26 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। 300 गुना टैक्स लगा के जनता से वसूल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। लड़की का बलात्कार होता है, उसके बाप को गोली मार दी जाती है। हर रोज इस तरीके की खबरें आ रही हैं। इसलिए हमें आशा है, उम्मीद है, जिला पंचायत में कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करेगी। अब जो पूछना है पूछना। राशिद जी, पश्चिम बंगाल को छोड़कर आसाम पे कांग्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान है, पश्चिम बंगाल पे नहीं है, क्या माने इसको? कांग्रेस पार्टी का 5 विधानसभाओं में ध्यान है। पांडिचेरी में हमारी सरकार थी, हम जीतेंगे। केरला के अंदर हमेशा एक बार CPM आता है, एक बार हम आते हैं, हमें उम्मीद है केरला जीतेगी। आसाम के अंदर निश्चित तौर से हमारी सरकार आएगी। बंगाल के अंदर तमिलनाडु में DMK कामार एयरलाइंस है, वहाँ पे हमारी सरकार बनने वाली है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी EVM के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमित शाह जी का एक बयान अभी आया है कि विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो 70% हिंदू की बात कौन करे। किसी नेता ने विपक्ष के ऐसा बयान नहीं दिया कि हम 30% मुसलमान की बात कर रहे हैं। अमित शाह खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। वो हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करना चाहते हैं बंगाल के अंदर। किसी एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी, CPM, ममता, कभी नहीं कहा कि 30% मुसलमान इकट्ठा होना चाहिए। ये बात भी अमित शाह कह रहे हैं। इस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भाजपा ने एक मुद्दा उठाया था, 2019 में उठाया था,
बुरखा में कि बुरखे में वोटिंग होती है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? उन्होंने कहा था कि बुरखे में अगर बुरके में वोटिंग हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती थी। सर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गिरी जी ने कहा है कि मुल्क भर में अंग्रेजों और मुल्कों के नाम से बनी सड़कों के नाम बदलने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़कों के नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना, ये कोई विकास नहीं है। अपनी नई सड़कें बनाओ, अपने नए शहर बनाओ, उनके नाम रखो, अपनी नई इमारतें बनाओ। गुजरात के अंदर जो अंबेडकर के नाम, जो सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम था, वो नरेंद्र मोदी जी ने बदल के अपने नाम पर रख लिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, ये कोई विकास नहीं है। पश्चिम बंगाल में वो जाति वाली राजनीति से हो गई, वो ममता करेगी साढ़ी के बिरादरी से। देखिए ममता क्या कह रहे हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँ। कांग्रेस क्या कहती है इसको, ये ममता जाने उनसे पूछ। कांग्रेस पार्टी ना जातिवादी बिरादरीवादी राजनीति करती है, ना हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। यूपी के मंत्री हैं, जो यूपी के राज्य मंत्री हैं, उनको अजान पे बहुत पाबंदी लगाने की बात कह रहे हैं, अजान से होने पर। ये देश दुनिया में इसलिए जाना जाता रहा है कि यहाँ पे अजान की भी इज्जत होती है और मंदिर के घंटी की भी इज्जत होती है। यहाँ पे मंदिर के घंटी से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं, अजान से नहीं हुई। ये पिछले 7 साल के अंदर हो रहा है। इस सरकार के पास अजान मुद्दा है, लव जिहाद मुद्दा है, घर वापसी मुद्दा है, बुरका मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमत मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, किसान मुद्दा नहीं है। जैसे कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते थे और बीजेपी प्रदर्शन करती थी, तो कांग्रेस कितना प्रदर्शन कर रही है? देखिए, मीडिया का एक हिस्सा मोदी जी के दबाव में काम करता है। हम जो बोलते हैं वो पूरी बात कभी नहीं दिखाता। मेरा तो आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी बात मत सुनिए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वो क्या बोला करते थे, उनके तमाम सवालों के जवाब उनमें मिल जाते। एक सवाल और था मेरा, चाहे वो डीजल की कीमत हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे महंगाई हो, मोदी जी के वो सारे भाषण देख लीजिए। आज जो कुछ हो रहा है उन सब का जवाब मोदी जी उस वक्त देते थे जब मुख्यमंत्री। हलवी जी, महबूबा मुफ्ती जी का अपनी मदर का लगभग कैंसिल हो जाता है पासपोर्ट, कांग्रेस किस नज़र से देखती है इस स्टेप को? मेरा बयान आया है, सारे टीवी पे चला है। मेरा कहना है कि कोई भी ऐसी सरकार जहां डिक्टेटरशिप होती है वो अपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, फिर उनको पासपोर्ट नहीं देती है। महबूबा के साथ 3 साल सरकार चलाई तब वो ठीक थी, आज वो देशद्रोही हो गए। सिर्फ उसको पासपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि अगर वो विदेश जाएगी तो इस सरकार को नंगा कर देगी या एक्सपोज कर देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, क्या माना जाए कि अब मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला यूपी में भी नए जो मुख्यमंत्री आए हैं, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस तरीके के नए मुख्यमंत्री। सर एक बार कोरोना दोबारा लौट के आ रहा है और सभाएं चल रही हैं और संक्रमण फैलने का भी खतरा है, तो कोरोना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री वैक्सीन विदेशों में भेज रहे हैं बजाय अपने नागरिकों को देने के। अभी तक आपको भी मालूम होगा शायद, सिर्फ 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा, अगले 1 साल तक सबको वैक्सीन लगना नामुमकिन है। तो विदेश को वैक्सीन भेजने का क्या मतलब है, अपने नागरिकों का ख्याल करो। सर जो सभाएं हो रही हैं उसमें भी संक्रमण फैलने का है, जैसे आपकी भी सभा चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी खतरा है और मास्क भी कई सीटों पर नहीं है, तो इसमें आप क्या? देखिए, मैंने तो मास्क ले रहा आपके कैमरे की वजह से, इसको हटाया, सबका मास्क आपका नहीं, आपकी बात नहीं।